हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अनबॉक्सिंग डॉल्चे एंड गबाना के द वन ईडीपी परफ्यूम की। दोस्तों, ये काफी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है जो कि 50ml, 100ml और 150ml में आती है। देख लेते हैं एक बार बॉक्स की प्रेजेंटेशन। बॉक्स की प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है, सिंपल सा बॉक्स है और पीछे आप देख सकते हैं डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पर नीचे हम देखे तो बार कोड मेंशन है और इसका बैच कोड भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अगर दोस्तों अगर इसकी सेलोफेन की बात करें तो इसकी सेलोफेन बहुत हल्की आती है जो कि काफी टाइम इन ट्रांजिट में ही डैमेज हो जाती है और अभी भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करके इसकी जूस क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, बॉटल क्वालिटी कैसी है। सेलोफेन उतरने के बाद बॉक्स बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, पेपर बॉक्स है। ये कुछ मेहनत कर सकते थे, इसमें कुछ और मेंशन कर सकते थे, कुछ सुंदर सा होलोग्राम भी लगा सकते, बट ऐसा कुछ है नहीं। ऊपर आप देख सकते हैं डीएनजी का लोगो आप यहाँ पर। दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है डॉल्चे एंड गबाना दी वन ईडीपी। इसमें ईडीटी भी आता है जो कि ज्यादा नहीं चलता है, लोग उसे ज्यादा प्रेफर नहीं करते। दी वन ईडीपी सबसे ज्यादा बिकने वाला परफ्यूम है डॉल्चे एंड गबाना का, बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है दोस्तों ये। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं कि ये कैसा है दिखने में, इसकी बॉटल क्वालिटी, इसकी जूस क्वालिटी, इसकी स्प्रेयर क्वालिटी कैसी है। और अब इसे ओपन किया तो यहाँ पे डॉल्चे एंड गबाना लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। अब इसको ओपन कर रहे हैं हम धीरे धीरे। तो दोस्तों अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, देख लेते हैं बॉटल क्वालिटी कैसी। और कैप से तो बिल्कुल होल्ड नहीं करना इसे। ये दोस्तों बॉटल बाहर आ गई और बहुत ही प्यारी सुंदर बॉटल लग रही है मुझे। ये बिल्कुल सिंपल एलिगेंट बॉटल है, काफी हैवी बॉटल है दोस्तों ये। और इसकी कैप भी देख लेते हैं, बहुत भारी कैप है इसकी। बॉटल क्वालिटी बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, सिंपल है लेकिन काफी हैवी बॉटल है। नीचे अगर देखे तो आप नीचे इसमें डिटेल्स मेंशन है, डॉल्चे एंड गबाना फॉर मैन और दी पफा 150ml मेड इन फ्रांस। और इसका स्प्रेयर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेटेलिक ग्रे स्प्रेयर है इसका जिसपे कोई लोगो नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी दोस्तों मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी, जो कि अपने आप को एक साबित कर रही है कि एक डिजाइनर फ्रेग्रेंस है जो कि एक्सपेंसिव वन है ये। मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ इसकी बिल्ड क्वालिटी से। अब देख लेते हैं इसकी स्प्रेयर क्वालिटी भी कैसी मिस्ट देता है ये। स्प्रेयर क्वालिटी अच्छी है और मैं मिस्ट की बात करूं तो इसमें से जूस क्वांटिटी ज्यादा नहीं आ रही है स्प्रेयर में से, लेकिन इसकी मिस्ट काफी अच्छी जो कि फैल रही है, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी स्प्रेयर की काफी अच्छी लगी है। इसकी स्मेल अब मेरी नाक तक पहुंचने लगी है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे स्मेल इसकी, मॉडर्न, कुछ स्वीट, एम्बर, टोबैको टाइप। और दोस्तों इसमें सिट्रस की नोट्स भी मैं फील कर सकता हूं जो कि सर्दियों में कुछ ऐसा लगता है कि फ्रेश स्पाइसी सा आपको फील देगा, बट ऐसा है नहीं, ये वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस है दोस्तों। तो ये बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस है जो कि आपकी विंटर डेट नाइट्स के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट रहेगी, बहुत ही अट्रैक्टिव बनी रहेगी। दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन अच्छा है जो कि स्टार्टिंग के एक दो घंटे तक काफी अच्छा बना रहता है। आप इसे तकरीबन 1.5 से 2 फीट तक फील कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने लंच डेट्स पर लगाकर जाते हैं तो वहां पर आपको लोग जरूर नोटिस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें डॉल्चे एंड गबाना ईडीपी परफ्यूम की ओवरऑल, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, मॉडर्न, बहुत लोगों को पसंद आने वाला ब्लेंड है। ये आपके विंटर नाइट्स, फॉल के लिए पार्टीज में, डेट नाइट्स में बहुत अट्रैक्टिव बना रहेगा जो गर्ल्स को बहुत ही पसंद आता है। ये टोटली वर्थ सेंट है दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग ना होते हुए भी ये फ्रेंड्स काफी बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस है डॉल्चे एंड गबाना की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है खासकर लेडीज को। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो डॉल्चे एंड गबाना दी वन ईडीपी परफ्यूम की। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।